हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाय दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी में फिल्मोरा का यूज़ करके अपने स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको अगर अपना फिल्म वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज़ करके आपको अगर अपना पीसी का स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड करना है, पीसी या फिर लैपटॉप का, तो फ्रेंड्स मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना जो वंडरशेयर फिल्मोरा है उसे ओपन कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। फिर फ्रेंड्स, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाता है, सबको पता ही होगा। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर फुल फीचर मोड पर क्लिक कर देना है सिंपली एक बार। फिर फ्रेंड्स, उसके सामने आपका जो फिल्मोरा का स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ दो तरीके से अपना जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिकॉर्ड है इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्डर है वो आ जाएगा। और दूसरा फ्रेंड्स, ये कि यहाँ पर जो फाइल है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड मीडिया है, उसके बाद यहाँ पर आप जो रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप इस पर जैसे हमारा जो रिकॉर्डर है वो आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसका जो साइज़ है कि हम इसे कितना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमारा जो स्क्रीन है उसको हाफ रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि फुल, तो फ्रेंड्स आप ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ पर सेव होगा, तो आप इसे फ्रेंड्स यहाँ से ब्राउज करके सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और सेटिंग मिल जाता है फ्रेम रेट का कि फ्रेंड्स आपको इसे कितना FPS पे रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 FPS है तो आप 30 FPS फुल है उस पर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा वीडियो फिर ऑडियो का जो रिकॉर्ड होता है उसका आप क्वालिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट का तीन क्वालिटी दिए रहता है, आप तीनों में से कोई सा भी फ्रेंड्स एक क्वालिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें रिकॉर्ड टाइमर का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और फ्रेंड्स नहीं करना चाहते तो इसे बंद ही रहना दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस रिकॉर्ड टाइमर पर होगा क्या कि आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतना देर तक अपने पीसी के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाए रिकॉर्ड होना। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अभी बंद ही रहने देता हूँ क्योंकि हमें उसका कोई कुछ टाइम वाइम सेट नहीं करना है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर जो माउस है इस पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपको चार डिफरेंट वेरिएंट में माउस का पॉइंटर जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिलता है स्टार्ट स्टॉप हॉट की, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई सा भी अपने मन से कीबोर्ड में की को सेलेक्ट कर लीजिए अपने रिकॉर्डर को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए, जिससे फ्रेंड्स आपको आसानी हुई इसे बंद करने में जब आप कभी भी इसे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप इसे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़े और इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जो माइक्रोफोन है, तो फ्रेंड्स आप इससे होगा क्या कि आप जो भी बोलेंगे वो ये रिकॉर्ड अभी नहीं करेगा क्योंकि ये अभी बंद है। और फ्रेंड्स, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आप जो भी बोलेंगे वो ये रिकॉर्ड करेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे वॉइस है अभी वो अप डाउन हो रही है उसका लेवल। तो फ्रेंड्स, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ अभी। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक और ऑप्शन है साउंड से रिलेटेड। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि आपका जो डेस्कटॉप है या फिर पीसी लैपटॉप जो भी है फ्रेंड्स, वो जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा इनसाइड वो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड करेगा। और फ्रेंड्स, आप अगर अपना जो पीसी है उसके अंदर का साउंड रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स आप इस पर सिंपली एक बार क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बगल में है जो है हमारा रिकॉर्डिंग का बटन, तो फ्रेंड्स आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो रिकॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 सेकेंड टाइम लेने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एक और चीज़ की फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जरूर देखिएगा कि यहाँ पर एक फ्रेंड्स ब्लिंक हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स हमारा जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लेफ्ट कॉर्नर में और राइट कॉर्नर में। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जैसे ही अपने स्क्रीन रिकॉर्डर का रिकॉर्ड को बंद करना होगा बिना वहां पर जाए, तो फ्रेंड्स आपको हॉट की का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि
आप अपने कीबोर्ड में एक बटन सेट कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये फ्रेंड्स से मैंने इस पर नम लॉक का बटन सेट करके रखा है, तो फ्रेंड्स मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये बंद हो गया। फ्रेंड्स मैं आपको इसके बाद आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो मैंने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर आ गया है, मैंने यहाँ पर इसको जहाँ पर सेट किया था। तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि क्वालिटी कैसा है हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर का क्वालिटी है वो 100 आउट ऑफ 90 है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही ये हल्का सा ही क्वालिटी में थोड़ा सा कम लग रहा है हमें। ओवरऑल फ्रेंड्स ये जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर वो काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड्स हमें हमारा जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं इसमें ज़्यादा लैग वैग का प्रॉब्लम भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि अगर आपको इस वीडियो में अगर फ्रेंड्स कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मैं हो सके जो तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स तुरंत ना भी दे पाऊँ तो फ्रेंड्स मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको फ्रेंड्स कोई कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप फ्रेंड्स कमेंट किया करिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। वजदे सलूट है कल की ने देखी की करना सवेरा कालिया ने राता।